क्या बात है मुंबई। हेलो, कहाँ पे? हाँ मैं निकल गया हूँ। कहाँ पे? इधर डिमांड के उधर आ जाओ। अच्छा मैं आ गया हूँ, आ जा जल्दी, आ जा आ जा। क्या हो गया? कुछ नहीं, आ जा आ जा। तो ये लड़का हमेशा मुझे रुकाते रहता है कहीं ना कहीं। वैसे एक खैर छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड हेलो एवरीवन, इट्स मी अरबा हुसैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AH व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? ऑल गुड, मेट ओ गुड। वैसे बताना चाहता हूँ कि आज का जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आपके भी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग हो नहीं रहा है। आप भी अपने घर पे बैठे हैं और हम भी अपने घर पे बैठे हैं, तो आज हम बाहर निकले हैं कई सालों बाद। कई सालों बाद मतलब जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तब से मैं कहीं बाहर जाना सब चीज़ बंद हो चुका है। और देखो कौन आ चुका है, तेरे बारे में बात कर रहा, कितना वेट करवाता है तू मेरे को, कभी तो करना पड़ेगा ना बदला। फाइनली गाइस, आज हम निकले हैं घर से और आप लोग सोच रहे होंगे क्यों लॉकडाउन के चक्कर में तुम लोग बाहर निकले हो। तो इस भाई साहब को लेना है मेडिसिन, कई सारे काम हैं, तो इन्होंने मुझे भी बोला है कि यार अरबाज आइए जाते हैं कहीं पे, और इसी बहाने मुझे बाहर निकलने का मौका मिला है। तो यार क्यों ना हम बाहर निकल के थोड़ा बहुत शूट करके दिखा दें। और वैसे रमज़ान है तो जितना भी बोलूँगा ना तो समझ लेना, भावनाओं को समझ जाना। और एक चीज बताना चाहता हूँ, जब से मैं इसके ये देख रहा हूँ ना, ये क्या है? हाँ, मास्क है। नहीं नहीं नहीं, ये तो तेरे लिए तेरी मुंह की चड्डी है। यार ये क्या पहन के रखा हुआ है, मास्क है मालूम है लेकिन एकदम चड्डी दिख रहा है, देखो सही से देखोगे। सॉरी मजाक कर रहा हूँ, बट सेफ्टी जरूरी है हर जगह से। दो ग्लव्स लेते हैं गाइस, क्योंकि हैंड सेफ्टी भी रखना बहुत जरूरी है, और फिर बाद में इसके काम के लिए जाते हैं हम पहले। ठीक है चलो, देखा यहाँ पे मालिक एक मिनट सुन, तो एक काम करते हैं, मेरे शॉप से होके हाईवे ही जाना है ना अपने को। हाँ ठीक है चलो। पूरा नाका बन के रहता है यहाँ पर, तो फिर पुलिस वगैरह है नहीं आई थिंक, और वो साइड में पुलिस मिल जाएगी आपको। मेरे को यूजुअली पुलिस नहीं रहते हैं यहाँ पे, शायद वो खाना खाने जाते हैं, भूख लगती है ना, तो इसलिए हम बोले कि चलो इसी बहाने हम फटाफट जाकर इसका सामान लेके आ जाएंगे। तो और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो ये एरिया है, यहाँ से पूरा मार्केट एरिया है, इस एरिया में इतना भीड़ होता है, मतलब आपको बताऊँ इस दिन रात जब भी आओगे ना आप तो भीड़ ही रहेगी, लेकिन लॉकडाउन के चक्कर में पूरा खाली। आज पहली बार देख रहा हूँ ये रोड, नहीं तो ट्रैफिक सही है, ऐसा लग रहा है आज भी गायब होते। नहीं पर एक फायदा हुआ मेरा, मेरी वजह से इसको बाहर निकलने मिला, नहीं तो भाई अंदर बैठ गया था। अभी शॉप खोल के ले रहे हैं, खोल नहीं रहा हूँ खाली, ये ग्लव्स के लिए निकाल रहा, तो इस बेचारे ने अब ग्लव्स के लिए शॉप खोला उसने। और देख रहे हो गाइस कि मतलब मुंबई का हाल क्या हो रहा है, सब बंद है, पूरा रोड खाली है, पूरा पूरा कुछ लोग ही दिख रहे हैं जो वॉक करके जा रहे हैं सामान वामान लेके। यार काफ़ी सैड फील होता है कि मतलब मुंबई को बंद बोलते हैं ना, सपनों की नगरी है मुंबई, और यहाँ पर लोग कमाने आते हैं, और आज के दिन में सब जा रहे हैं अपने गाँव अपने विलेज, उम्मीद छोड़ चुके हैं। मतलब सोच रहे हो क्या हालत हो चुकी मुंबई की। तुम्हारा मास्क किधर है? मास्क नहीं रे, उनकी चड्डी है। यहाँ पे कितना बढ़ गया है, मतलब 4-5% तो आए हैं यहाँ पे भी, 4-5 आ गए बोलते हैं, 4-5 से ज़्यादा ही। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे भी कुछ केसेस आए हैं, मतलब यहाँ पे नहीं अंदर साइड है ना, अंदर साइड, तो अंदर साइड भी आए कुछ केसेस। खाने के लिए किसी के पास कुछ है ही नहीं, पब्लिक परेशान है, गाँव जा रही है, गाँव में पंचायत के ऊपर से कोई पैदल जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई गाड़ी से जा रहा है, लेकिन सब मुंबई में भूकाल आ गई, एकदम बेकार हो गई। कहते हैं ना सपनों की नगरी है मुंबई, लेकिन आज लोग सपनों की नगरी को छोड़ के जा रहे हैं। सो गाइस, दिस इज न्यूज 24 चैतन्य हियर क्लोजिंग फ्रॉम हियर। चलो ऐसे ही बातचीत चल रहा है हमारा।
खत्म मत कर देना, ना मत लेना। वाह, ग्लव्स तो ठीक है, आगे जाके रेनकोट पहनना पड़ेगा। फाड़ने वाला हूँ आज इसको। ओह शिट, बंद है। तो कई सालों बाद हमने ये हाईवे देखा है, ऐसा लग रहा है इसको डिटर्जेंट के साथ साफ सफाई की है, लेकिन आप खूबसूरत दिख रहा है। हाँ यार, तो मुंबई क्लीन हो गई। पूरे दिन यहाँ पे मतलब काम करते रहते हैं और सपोर्ट करिए और सेफ्टी रही है यार। यार वापस यू टर्न कर गया हमें। लाने वाला मीठा मिठाई। अरे हाँ, मैं बताना भूल गया, रोजा चालू है तो आपको कुछ खिला नहीं सकते, बट शाम को आपको आना है हमारे यहाँ पे, रोजा खोल रहे हैं। क्यों नहीं आएगा, चलेगा, मैं तो जाने वाला। अभी ये जा रहा है, मतलब मेडिसिन लेके आता है, तब तक हम जरा यहीं पे घूम लेते हैं। मुझे तो लगेगा ना माल निकाल लाने में। माल निकाल रहे चल, सेट अप। वो बता देता हूँ, ये है अनुपम और यहाँ पर मेरा पहले का ऑफिस है एक्चुअली। यार काफ़ी टाइम बाद गोरेगांव आ चुका हूँ, मैं बताना ही भूल गया आपको। शिट, मैं गोरेगांव आ चुका हूँ और गोरेगांव में स्टेशन के यहाँ पर ही हूँ मैं एक्चुअली, बताता हूँ। यहाँ पे स्टेशन है और यहाँ पे है ये अनुपम मॉल है, आप जानते होंगे, शायद आए होंगे गोरेगांव तो आपको पता होगा। क्या कर रहे हो? चाय बना रहे हो? अरे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो क्या? यूट्यूब का चैनल है। यूट्यूब पे? हाँ यूट्यूब पे, देखे नहीं का? ये हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज है यहाँ के और हम पहले ऑफिस में यहाँ पे काम करते थे। पहचाने की नहीं पहचाने हमको? पहचाने। तो हमेशा हम इनसे जाते वक्त मिलते थे। अब यहाँ पे जो बाहर से आने वाली सिक्योरिटी थी उनको मना कर दिया। और बाकी जितने लोग हैं यहाँ पे हम लोग बनाते खाते हैं। अच्छा अच्छा, तो अकेले ही मतलब रुके हुए? नहीं, हम पांच लोग हैं यहाँ पे। पांच लोग, तो सैलरी वगैरह मिल रहा है आपको? हाँ सैलरी हमको हमारी कंपनी दे रही है। दे रही है ना, चलो अच्छा है फिर। देख रहे हो हमारे सब जगह बंद है, बेचारे उनका काम चालू है। तो यहाँ पे इंटरव्यू चालू है गाइस, जो लोग मतलब यहाँ पे रुके हुए हैं, काम कर रहे हैं अभी भी, और उनको पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और काफ़ी सारे चीज़ें चल रही हैं, तो उनके ऊपर यहाँ पे बातें चालू है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें चल रही है। उन्होंने बताया कि हाँ यहाँ पे कई लोगों को मास्क मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कई लोगों को पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उसके बारे में। कब से किससे बात करते रहते हैं? नहीं, कितना फोन पे बिजी रहता है तू? भाई पप्पा है, माल लेने गया तो ऑफ कोर्स बात तो करना पड़ेगा ना। मेडिसिन लेके आ गए वापस, अभी चलते हैं हम वापस अपने घर की और इसकी मेडिसिन रखते हैं, फिर और एक काम है वो भी कर लेंगे। चलो गाइस, फाइनली ट्रेन देखने मिला, लोकल ट्रेन बंद है। तो यार देखो, ये हमारा लोकल ट्रेन जो रोज़ आना जाना होता था काफ़ी लोगों का, फाइनली देखने मिला। क्या बात है मुंबई! क्या हो गया है मुंबई को?
आप लोगों को सेफ्टी रखना जरूरी है, चिल्ला के बोल रहा हूँ। कमर की लग गई ना, ये भी डालेगा? अबे यार सीरियसली, इसकी कमर मेरी कमर की भी बहुत धज्जियाँ उड़ गई। तो अभी सामान रखते हैं। करते रहे डांस डांस। तो फाइनली हमारा सारा काम हो चुका है, हम गोरेगांव जाके आ चुके, इसका मेडिसिन ले लिए, इसके क्लिनिक में मेडिसिन रख भी दिया। अब जो दूसरा काम है वो है डी मार्ट जाना और डी मार्ट से कुछ छुटका मुटका सामान लेके आना है। ज़्यादा कुछ नहीं है, छुटकी मुटकी का, तो जाके लेके आते हैं और फिर रोज़ा खोलने जाएंगे हमारी इफ्तारी पार्टी में। आज की पार्टी उनकी तरफ से कभी दिया नहीं है, पार्टी चलेगा। अम्मी ने कितना झूठ बोलता है ना ये, और किससे लग रहे थे फोन पे, हेलो हाँ हम बोल रहे हैं, पापा का नंबर दूं, पापा का मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, ये हमारा झगड़ा चलता रहेगा ऐसे, आप लोग आगे देखिए। गाइस इशू हो रहा है कि टोकन हमने लाया नहीं था और यहाँ पर काफी सारे लाइंस है। फाइनली हमने ले लिया, मैं बोल रहा हूँ ये ले लेते हैं, नहीं ओट्स मतलब यही ले लेता, ओट्स ले लेता मम्मी का क्या। तो फाइनली हम ये भी चीज़ ले चुके हैं, मैं बताना चाहता हूँ, छुटकू मुटका सब बोला था, तो ये एक सामान और ये एक सामान। वहाँ पे वीडियो शूट करने ऐसे अलाउड दे ही नहीं रहते, बट हमने दिखा दिया कैसे कैसे करके शूट किया है। अभी चलते हैं, रोज़ा का वक्त हो चुका है और रोज़ा खोलना है और इसे भी लेके जाना है, काफ़ी प्यास लगी है, इसे भी भूख भी लगी है, इसके लिए मेडिसिन गए सब किया, तो आज का काम बाकी। हम संडे को ये सब नहीं करते, हमारा अलग रहता है, बट लॉकडाउन में ये सब चलता है, क्या करें। तो फाइन, रोज़ा का वक्त हो चुका है, चलते हैं, इफ्तारी का वक्त है, रोज़ा खोलते हैं साथ में, चलो। चेतन्य भाई अंकल, आरोही मम्मी आंटी, ये साक्षी मम्मी, अरमान और ये मेरे डैडी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाह मकसन तो वेगा मन तो वलका वकल तो वाला रिस्के का वाफ्तर तो पद्दा कबल मिनी वरहमत का। हेलो 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 जी 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 जी, यहाँ पे तो वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वीडियो थोड़ी बाकी है और कुछ बातें करनी है आपको बताना चाहता हूँ। ये थी हमारी परिवार, सुखी परिवार, खुशी परिवार, जो हमेशा हम इसी तरीके से रमज़ान रोज़ा खोलते हैं। और आज रोज़े के मौके में हमारे साथ ज्वाइन किए थे हमारे चेतू भाई, तो थैंक यू चेतू। और वैसे वो चले गए अपने घर पर, और हम भी कपड़े में मत जाओ, 3 बार हमने नहाया और कपड़ा चेंज किया है, गर्मी में ऐसे ही होता है, सबके साथ होता है, ये तो रियलिटी है, आप भी जानते हैं। खैर छोड़ो, वैसे और एक चीज़ है गाइस, मैं ना कुछ दिन से न्यूज़ देख रहा हूँ, वैसे तो काफ़ी दिनों से जब से लॉकडाउन चालू है सबके घर पे न्यूज़ ही चल रहा है, अपने डैड हमारे न्यूज़ चैनल लगा के बैठे रहते हैं,
तो हमारे भी डैड न्यूज चैनल देखते रहते हैं, तो हम भी उनके साथ देख रहे थे। जब भी मैं देख रहा हूँ ना कि यहाँ पे केसेस इतने बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के, यहाँ पे इतने बढ़ रहे हैं, मुंबई पे इतने बढ़ रहे हैं केसेस, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लॉकडाउन में भी, इतने दिन से लॉकडाउन चल रहा है फिर भी ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं इतने, कि हम शायद हम रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं या फिर हम निकल जा रहे हैं घर से, इसके वजह से ये सब चीज हो रहा है। यार आपको जैसे इतना बोलना चाहता हूँ, प्लीज अपने घर पे रहिए, क्योंकि ये लॉकडाउन होगा सही से तो ही हम पहले लाइफ में आ सकते हैं पहले जैसे, नहीं तो क्या पता और भी लॉकडाउन बढ़ता रहेगा और भी हम फिर घर पे ही रहेंगे। कुछ लोग घर से काम कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, लोग रास्ते में निकल जा रहे हैं अपने गांव के लिए, क्या हो रहा है यार, मतलब पूरा क्या बोलूँ आपको, बहुत कुछ है ऐसी बातें जो मैं नहीं कर बता सकता, बट जो रियलिटी है वो न्यूज़ में आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ समझिए, रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों को। आई नो आप लोग बोलेंगे ये बात कि अरबाज आप क्यों निकले थे, देखिए आप अपने हो इसके लिए मैं बता रहा हूँ। क्या हुआ कि चैतन्य के डैड तबीयत खराब है उनकी, तो इसकी वजह से वो जा नहीं पाए मेडिसिन लाने के लिए। चैतन्य ने बोला मुझे अरबाज कल ना मुझे मेडिसिन लेने जाना है, मैं अकेला हूँ एंड मुझे सारे बॉक्स वगैरह है सारे मेडिसिन मैं अकेला ला नहीं सकता, तो मैंने बोला कोई बात नहीं मैं चलता हूँ जैसा एंड जाके लेके आया। और इसी बहाने में मैं आपको थोड़ी बहुत बता तो दिया मुंबई की हालात इस तरीके से चल रही है। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया होगा तो आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। इसी तरीके से और भी नए वीडियोस बनाता रहूँगा मैं, सब्सक्राइब कर दो, इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। और एक चीज़, अब बजे रहे हैं रात के 1:52 और रात को मैं ये ख़त्म कर रहा हूँ वीडियो, तो ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून, स्टे ट्यून्ड, लव यू गाइज एंड स्टे सेफ प्लीज़। मुंबई पूरा मुंबई बंद है, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है और रोना भी आ रहा है। थोड़ा सा और हमारा कमी नहीं। लॉकडाउन में बाल काटने नहीं मिल रहा, बाल बढ़ गए हैं, दाढ़ी बढ़ गई है, क्या फालतू गिरी है। लाइक कर दो।